प्रक्षेप के रूप में कहा गया है, श्रीमद् भगवद गीता का महाभारत के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे कई मतभेद हैं। तो यह प्रक्षेप है, ऐसा इस प्रकार से महाभारत के युद्ध के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, यह तो महाभारत के युद्ध का उदाहरण देते हुए यह जो श्रीमद् भगवद गीता का संदेश दिया गया, व्यास मुनि ने रचना की, श्री कृष्ण भगवान के मुख से मानव उसे कहलवाया, और यह आधुनिक मानव के लिए भी और सभी के लिए किस प्रकार से भीतर का युद्ध खेला जा सकता है, इसकी उसमें चर्चा की गई है। बाहर के युद्ध का तो केवल वह उपमा दी गई, केवल वह उदाहरण दिया गया, यह मानो एक प्रक्षेप मात्र है, इस प्रकार के महाभारत युद्ध के साथ इसका कोई संबंध नहीं। और कुछ लोग कहते नहीं, यह महाभारत का ही एक अंग है। तो महाभारत में जैसा कि वर्णन कहा किया गया, श्रीमद् भगवद गीता में ही वर्णन किया गया, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं। जैसा हमने प्रथम अध्याय में कहा कि धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुसव मामका पांडवा शिव किम कुमर तो संजय, ये संजय तू क्या किया, तू मेरे को रनिंग कॉमेंट्री दे। और रनिंग कॉमेंट्री संजय देते हैं, दिव्य चक्षु के दिया हुआ है उनको, बोले इस प्रकार से। वह भी बाद में, पहले भी वो देना चाहता था, पर धृतराष्ट्र को उतनी कोई खास उसकी इच्छा नहीं थी। वो तो जानते थे कि कौरव ही जीत जाएंगे, हम लोग की जीत होगी, 18 अक्षौणी सेना है, उन लोगों के पास तो बहुत कम सेना है, और द्रोण भीष्म ये सब हमारे साथ हैं। पर जब संजय ने कहा कि भीष्म पितामह भी गए, तब अचानक धृतराष्ट्र को शॉक लगता है, और फिर कहते पहले से मुझे सुना, एकदम पहले से सुना क्या क्या हुआ। तो फिर पहले से संजय उवाच कि किस प्रकार से ये कौरव पांडव की सेना एक दूसरे के सामने आई, किस प्रकार से शंख फूके गए, किस प्रकार से यह वचन कहा दुर्योधन ने, और फिर द्रोण भगवान द्रोण ने यह शंख फूका, भीष्म पितामह ने शंख फूका, और इस प्रकार से एक के बाद एक शंख फूके गए, उच्च शंखनाद हुआ, और उच्च शंखनाद होने के बाद अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान को, जरा भगवान जरा मेरे रथ को बीच में स्थापित करो, जरा मैं देखूं कौन कौन दुर्बुद्धि लोग, राजा लोग इस दुर्योधन का संग देने के लिए आए हैं, जरा देखूं तो सही, इन लोगों को देख लूं, मानो भाव यह देख लूं उनको, इस प्रकार के ताव के साथ बोलता है, बड़े अहंकार के साथ बोलता है अर्जुन, और बड़े रुआब के साथ बोलता है, लाओ श्री कृष्ण भगवान को सार्थक बोलता है, रथ को लाओ बीच में लाओ, देखूं कौन लोग मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। इस प्रकार से बड़े हिम्मत के साथ जाते हैं, और ये बीचों बीच रस्त उपस्थित, और फिर वहां देख करके वो अपने संबंधियों को देखता है, संबंधियों शाला संबंधी तथा इन सब को देखता है, वहां गुरु द्रोण को गुरुजन को देखता है, गुरु द्रोण को देखता है, भीष्म पितामह को देखता है, दादा भीष्म पितामह दादा को देखता है, श्याला संबंधी इन सब को देखता है, और मोह आविष्ट हो जाता है, और इस प्रकार से उसके पैर कांपने लगते हैं, न्यूरोसिस का शिकार हो जाता है, मुंह सूखने लगता है, ये सभी लक्षण हैं। जब भी कोई नर्वस आता है, नर्वस हो जाता है मनुष्य, चाहे परीक्षा में नर्वस हो जाए, चाहे युद्ध रूपी परीक्षा रूपी युद्ध में नर्वस हो जाए, या युद्ध में नर्वस हो जाए, या किसी प्रकार की कोई परीक्षा ये इंटरव्यू देना है तब नर्वस हो जाए, ये नर्वसनेस के ये निशान है, मुंह सूख जाता है, बार बार पानी पीता है, देखना जो कोई भाषण देने के लिए जिसको कहा जाए बार बार पानी पीता, मुंह सूख रहा है, भीतर में नर्वसनेस है, तो पानी चाहिए उसको, नर्वस मुंह सूखता है, और पैर कांपने लगते हैं, इस प्रकार की वह जो स्थिति, ठीक वही न्यूरोसिस का शिकार होता है, वही डिप्रेशन, वही नर्वसनेस आती है अर्जुन की, और बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा, किसी प्रकार से युद्ध नहीं करूंगा, इन सब लोगों को मार करके हम क्या करेंगे, इनके खून से सना हुआ रक्त, इससे रक्त से सना हुआ खाना मैं नहीं खाना चाहता, इससे बदले मैं भिक्षा का अन्न ग्रहण करूंगा, मैं भिखारी हो जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, युद्ध मैं नहीं करूंगा, यह भयंकर मोह आवेश हो जाता है, और ये करके चुपचाप बैठ भी गया, सचमुच में बैठ गया रथ के पीछे के भाग में, गांडीव को बोले गांडीव मेरे से सरक रहा है,
वो जो परीक्षा में स्टूडेंट जाते हैं, पेन हाथ में नहीं रहती, पेन जैसे सरकती है ऐसे एक गांडी उसके पास से सरक रहा है, नर्वसनेस आ गई, और ये बैठ भी गया, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, जैसे कोई परीक्षा में ड्रॉप आउट लेता, मैं परीक्षा नहीं दूंगा, फिर बाद में ड्रॉप आउट, तो अर्जुन ने कहा मैं ड्रॉप आउट ले लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस समय श्री कृष्ण भगवान की हालत, उन्होंने सब इतना सब कराया, सब कुछ तैयार कराया, सभी लोग दोनों सेनाएं एकदम एक दूसरे पर तड़पने को तैयार है, यदि अर्जुन जैसा अर्जुन जिसके ऊपर सारा दारोमदार है यदि वो बैठ जाता है तो बस खत्म, वॉक ओवर दिया गया, तो फिर कौरव जीत जाएंगे, बिना मैच खेले ही जीत जाएंगे, बिना युद्ध किए जीत जाएंगे, और फिर ये पांडवों को तो खत्म कर डालेंगे, जितने पांडवों की सेना को सब लोग खत्म कर डालेंगे, कौरव तो छोड़ने वाला तो था ही नहीं, किसी प्रकार से एक इंच देने को जगह नहीं है उसके, तो कितने बार प्रयत्न किए मार डालने को, यह सुनहरा मौका है जब अर्जुन बोलता मैं अपने हाथ में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा भले वो मुझे मार डालें। तो युधोरे बोला बहुत अच्छा भाई, हम तो मार डालना ही चाहते हैं अभी तक। ऐसी विषम परिस्थिति में श्री कृष्ण भगवान पर वो स्थित प्रज्ञा की जिसके स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताया द्वितीय अध्याय में, पूरे स्थित प्रज्ञा कोई प्रभाव नहीं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमाशित व्रजेत किम, वो स्थित प्रज्ञा क्या लक्षण है, प्रजाहाते यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, और दुखेश्वनो उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित दीर्मुनिचित, वीत राग भय, राग नहीं है भय नहीं है, श्री कृष्ण भगवान को कोई भय नहीं, ऐसी भी सम परिस्थिति में हंसते हैं, कल्पना कर सकते हैं युद्ध के लिए लाखों सेनानी तैयार है एक दूसरे पर धावा बोलने के लिए, और सबसे बड़ा जनरल एक सेना का बोलता है मैं एकदम वॉकओवर दे दूंगा, मैं नहीं युद्ध करूंगा, लाख यहां पर लाखों योद्धा खड़े हैं उसके ऑर्डर के लिए, प्रतीक्षा के लिए, मारो काटो, उस ऑर्डर के बल्ले अर्जुन बोलता है नहीं, मार खा लो, मर जाओ सब लोग, चुपचाप रहो, मैं भी चुपचाप हूं। ऐसी विषम परिस्थिति में श्री कृष्ण भगवान स्थित प्रज्ञा कोई असर नहीं, हंस रहे हैं, और फिर कहते हैं कुतस्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, अरे ये तेरे पास तेरे को ये मोह कहां से आया, कुतस्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम, ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसा मोह कैसे आया, तेरे को कहां से आया ये मोह, समझ में नहीं आता, कुतस्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, अरे तो अकीर्तिवान आया, अपकीर्ति लाने वाला ये मोह है, और स्वर्ग से तुमको विच्युत कर देगा, न तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, न राज्य की प्राप्ति कराएगा, न कीर्ति की प्राप्ति कराएगा, ऐसा भयंकर ये मोह, ऐसा ऐसी बुद्धि कुबुद्धि तुम्हारे में क्यों आ गई, और फिर क्लेब्य मास्मगम पार्थ नैत्वत युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तो तिष्ठ परंतप, उठ खड़े हो जा, ये तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे, कायर मत बन, का पुरुष मत बन, एक पुरुष के लिए जो सबसे अधिक खराब से खराब शब्द व्यवहार जो किया जा सकता है, सबसे बड़ी गाली दी जा सकती है, ऐसी बड़ी गाली श्री कृष्ण भगवान देते हैं जानबूझ करके, क्लेब्यम क्लेब्यम शब्द व्यवहार करते, कापुरुष मत बन, क्लेब्यम मास मगम पार्थ, तेरा नाम पार्थ है सबको जीतने वाला है, और तू ऐसा कापुरुष बन रहा है, कायर बन रहा है, क्लेब्यम मास मगम पार्थ नहीं तो ये तुझे शोभा नहीं देता, कोई कायर इस प्रकार से बात करे तो मैं समझ सकता हूं शोभा देता है, तुझे ये शोभा देता है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक तो उपदेश परंत, उठ खड़े हो जा युद्ध कर, वहां से लेकर के बहुत बार प्रकार बार बार समझाया युद्ध करने के लिए, फिर बाद में अर्जुन तो बोलता है कि मैं तुमको ज्ञान दूंगा तुम मुझे जान दो, मैं ज्यादा ज्ञान हूं तुमसे, सुनो मेरे से, पूरा लंबा प्रवचन यूनाइटेड नेशंस वाले का दे दिया, किस प्रकार से युद्ध से क्या क्या हानि होती है, पहले अध्याय में दे दिया था, फिर से बोलता है कि मैं कन्फ्यूजन हूं, तब जाकर के श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं हंसते हुए अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादस भाषसे गतासु न गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिता, बात तो बड़ी विज्ञानी की जैसी करते, आहा इतना सुंदर लक्षण दे रहा है, पर तेरे कर्म तो पंडित के जैसे नहीं है, अरे जो पंडित है ना
नत्वेवाम जातु नासम नत्वम नेमे जनादिपः। अरे जो गतासुचन गतासुच नानु शोचंती पंडिता, जो जो सच्चे जो पंडित हैं, जो सच्चे ज्ञानी हैं, न तो मरे हुए के लिए शोक करते हैं, न जो नहीं मरे उनके लिए शोक करते हैं, किसी के लिए वो चिंता नहीं करते। क्यों? जानते हैं आत्मा अजर अमर आत्मा है, उसको कोई मार नहीं सकता और इस देह को कोई बचा नहीं सकता। ऐसा जान करके उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, पर तेरे पर असर हो रहा है, तू रोने लग गया है, छटपटा रहा है, रो रहा है, हाय हाय कर रहा है और भयभीत हो रहा है, कांप रहा है, इसका मतलब ये है तू जैसा है ऐसा नहीं है, ये ज्ञान तेरा नहीं है, ये तो भीतर का मोह है। और फिर सच्चे ज्ञानी के लक्षण बताए। सच्चे ज्ञानी के लक्षण बताने के बाद देखा कि फिर भी ये अर्जुन को वो सब बाउंसर चला गया, ऊपर से चला गया, तब जाकर के बोलता है ठीक है तू ऐसा कर, तू यदि ये भी सोचता है कि ये आत्मा मरणशील है, आत्मा नाम की वस्तु नहीं है, देह ही असली है, तू ये भी सोच ले, तू इस पर विश्वास नहीं करता तो भी तेरे को युद्ध करना श्रेयस करे। क्यों? ततो युद्धायुजस्व। क्यों? इसलिए कि यदि मानता है कि ये तो मरने वाला शरीर है, तो फिर एक बार तो मरने वाला है, तो फिर चिंता काहे की है? तो कायर के समान क्यों मरता है? युद्ध में मर तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, यदि तू इसको मरणशील मानता है तो उस प्रकार से भी तुझे युद्ध करना उचित है। ये फिर से बताया, फिर कर्मयोग का उपदेश दिया। पहले सांख्य का मतलब ज्ञान योग का उपदेश दिया, कर्मयोग का उपदेश दिया, फिर बोले व्यवसाय आत्मिका बुद्धि चाहिए। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि किसको कहते हैं, फिर उसको समझाया, फिर बोले जो व्यवसाय आत्मिक बुद्धि होती है उसकी कैसी, उसकी किस प्रकार की स्थिति होती है, उसकी स्थिर बुद्धि हो जाती है। तो ये स्थिर बुद्धि जिसकी होती है उसके लक्षण कैसे हैं, वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा स्थितादि किम प्रभाषित किम आसित व्रजित किम, ये सब बताया कि कैसे बैठता है, कैसे चलते हैं, उसकी कैसी स्थिति होती है। तब ये बताया प्रजाति अधिकवानी, सब प्रार्थ बताए, स्थित प्रज्ञ के सब लक्षण बताए और स्थित प्रज्ञ की कैसी महान स्थिति होती, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने आपूर्यमाणम अचल प्रतिशम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम् प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। यह कामना करने वालों के लिए नहीं होता, इस प्रकार से बताया और ये मुक्ति का मार्ग बताया। श्री कृष्ण भगवान ने सोचा आप तो अर्जुन को सब बताया तो अभी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होगा। अर्जुन बोलता है ये आप तो मेरे को और कन्फ्यूजन में डाल दिए, मैंने आपको बोला था आप मुझे शिष्ट हम शादी मामता हम प्रपन्नम मुझे बताइए क्या करना चाहिए, आप तो डबल बात कर रहे हैं, कभी ज्ञान की बात करते हैं, कर्मियों की बात करते हैं, दोनों प्रकार की बातें करते हैं। ये तो इस प्रकार से है जैसे कोई वैद्य बोले देखो ये जो दवाई है ये तुम्हारे लिए बड़ी उपकारक है, बहुत अच्छी दवाई है, ये ज्ञान की जो दवाई है ना बहुत अच्छी दवाई, और ये जो कर्म की जो दवाई है यह हानिकारक है, तुम हानिकारक दवाई लेना लाभकारक मत लेना। अरे बोले एक प्रकार से तुम बोल रहे हो ज्ञान बहुत बड़ा है, ऊपर से बोल रहे हो तुम युद्ध करो, ये तुम्हारी दो प्रकार की बात बोल रहे हो। ये सब तृतीय अध्याय में अर्जुन बाद में बोलेगा। तो ये सब बाउंसर चला गया, फिर से बार बार समझाएंगे, द्वितीय अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान धैर्य पूर्वक फिर से समझाते हैं अर्जुन को और समझाते हैं, बोले जो कुछ कहा वो ठीक कहा परंतु सचमुच में जब डॉक्टरेट करना बहुत अच्छा है, उस सब्जेक्ट में जब डॉक्टरेट कर लेगा, स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट में डॉक्टरेट जब कर लेगा ना तब परम शांति मिलेगी। और डॉक्टरेट के सब लक्षण भी मैंने बताए, पर याद रखना डॉक्टरेट पीएचडी होने के पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा, उसके पहले ट्वेल्थ का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कोठा है उसको पार करना पड़ेगा, तब जाकर के सब होता है। तो मैंने लक्षण बताए, तो अभी से अपने आप को पीएचडी का स्टूडेंट समझता है, पहले ट्वेल्थ पास कर उसके बाद सब होगा, मैंने बताया क्योंकि तूने पूछा था, पर जहां से शुरू होगा ये सब तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण भगवान धैर्य पूर्वक समझाएंगे। तो यह सब इतना सारा डायलॉग अभी चल रहा, अभी तो द्वितीय अध्याय, अभी द्वितीय अध्याय का हम लोगों ने पाठ किया उसी में आधा घंटा लग गया, और ऐसे तो एक 18 अध्याय है, तो 18 अध्याय का पाठ जल्दी 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 करो तो भी 3 घंटा लगता है।
तो सभी लोग का यही कहना है, भाई देखो आप लोग बोलते हैं कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, उसमें एक गीता का सब हुआ, तो क्या वो ये जब ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ ये बात कर रहे थे, 3 घंटा बात कर रहे थे, तब तक तो बाकी सब लोग बेवकूफ के समान खड़े थे क्या? जितने युद्ध करने वाले, शंख फूंक करके, घोड़ा एकदम खड़ा हुआ है, हाथी खड़ा हुआ है, ये 3 घंटे तक ये लोग खड़े ही रह गए और ये बीच में अपना कंसल्टिंग चल रहा है। अरे जब टॉस खेलने के लिए जब वो कैप्टन दोनों जाते थे, 1 मिनट में टॉस खेल करके आ जाते हैं, और वो 1 घंटा भी टॉस ही खेलते रहेंगे तो खेल कब होगा? ये तो 3 घंटा ये बातचीत ही चले तो युद्ध कब होगा? तो इतने इतने समय तक ये लोग बेवकूफी समान खड़े रहे, ये आपकी कैसी बात है? तो इसके बहुत प्रकार के उत्तर देते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण भगवान ने और अर्जुन के बीच में संवाद अवश्य हुआ, पर यह हो सकता है कि उन्होंने इसका जो जिस्ट है, जो मुख्य बातें सब कही हूं, और बाद में व्यास मुनि ने, व्यास देव ने उन्हीं बातों को लेकर के उसको एक्सपांड किया। परंतु यह भी तो हो सकता है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई यहां से हम लोगों को बंबई जाना होगा, यहां से बंबई जाना होगा तो बंबई जाना होगा तो कितना घंटा लगेगा, तो कितना घंटा लगेगा वो तो तुम्हारे ऊपर है, कैसे जाओगे तुम? यदि पैदल जाओगे 15 दिन 20 दिन, बीच में कितना रुकोगे, कितना थकान होगी, उतना दिन लगेगा। बैलगाड़ी में जाओगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, घोड़े में जाओगे तो और कम लगेगा, कार में जाओगे तो और कम लगेगा, सुपर फास्ट ट्रेन में जाओगे और कम लगेगा, एरोप्लेन में जाओगे और कम लगेगा। तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं, नहीं 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 बंबई जाने में तो 15 दिन से कम नहीं चाहिए, क्यों? हम लोग पैदल जा रहे हैं। पर जो प्लेन वाले जाने वाले हैं उसको बोलते हैं, अरे अभी 40 मिनट में 50 मिनट में फ्लाइट आ जाएगी। उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में कैसे इतना सरल संवाद हो सकता है, उन लोगों का संवाद इतना जल्दी भी हो सकता है। तो श्री कृष्ण भगवान भी परम परमात्मा स्वयं अर्जुन के साथ बात कर रहे हैं, तो उनको इतना सरल टाइम लगेगा क्या बात करने में? एक बात है, और दूसरा उन्होंने फॉर्मूलास कहे, उस फॉर्मूला को एक्सपांड किया, पर है यह महाभारत का ही भाग। परंतु यह भी बात स्वाभाविक है, कुछ लोग बोलते हैं कि महाभारत का युद्ध ये मानो उपमा दी गई, पर उसका रेलिवेंस आज के लिए जो यही है कि वह युद्ध ये नहीं कहता है कि युद्ध करो। तब तो ये कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध कराने के लिए श्री कृष्ण भगवान बार बार कहते हैं कि युद्ध करो। हम लोग की कितने परिवार लोग आते हैं कि हमारे घर में युद्ध चल रहा है, महाभारत का युद्ध रोज चलता है, रोज आपस में झगड़े करते, तो हम तो यही करना, युद्ध करो, भाई भाई खूब झगड़ो और एकदम बंटवारा करो और कोर्ट में केस करो एक दूसरे के विरुद्ध। तब तो हम लोग को ये कहना चाहिए कि जितने लोग काउंसिलिंग के आते हैं, बहुत बढ़िया, और युद्ध करो, एक दूसरे से युद्ध करो, कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, बंटवारा मत करो अच्छी तरह से, खूब झगड़ो, एक दूसरे का खून करो, भाई भाई का खून करो, जैसे कौरव पांडवों ने किया ऐसा खून करो। क्या ये उसका उपदेश है? युद्ध करो। वो युद्ध करो सचमुच में बाद में श्री कृष्ण भगवान समझाएं, सचमुच का युद्ध तो अंदर में युद्ध चल रहा है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के विचारधाराएं हैं, हम उनका समन्वय करेंगे। अलग अलग विचारकों ने, हजारों लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता पर टीकाएं लिखी है, भाष्य लिखे, हजारों साल से भाष्य लिखते आ रहे हैं, आज भी रोज दो दो तीन तीन नई किताब गीता पर चलती है, प्रकाशित हो रही है। गीता पर जितनी कमेंट्री है उतनी कोई विश्व के किसी ग्रंथ के लिए कमेंट्री उतनी नहीं हुई है, इतने भाष्य, इतनी भाषाओं में उसका अनुवाद, इसकी इतने भाषा में इसका ये हुआ, और सभी अपनी अपनी दृष्टि से गीता के संदेश को देखते हैं, ये उसकी विशेषता है। पर हम लोग जो जिस प्रकार से गीता को समझने का प्रयत्न करें, आधुनिक मानव के लिए किस प्रकार से हमारे लिए इसका उपदेश उपकारक है हमारे लिए, इस संदर्भ में हम गीता के संदेश को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अगले समय से हम आज यहीं पर समाप्त करेंगे, अगले समय से फिर तृतीय अध्याय की चर्चा प्रारंभ करेंगे।